दोस्तों बेबाक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया और इस बेल आइकन को दबाकर खबरें पाएं सबसे पहले। यूपी निकाय चुनाव के रिजल्ट से भले ही बीजेपी गदगद हो, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती भी कम खुश नहीं है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नगर निगमों की 16 में से 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं बीएसपी ने इस चुनाव में अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है। बीएसपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। इस जीत के साथ बीएसपी ने यूपी में अपनी वापसी के संकेत भी दे दिए हैं। वहीं इस चुनाव में नगर निगम की सीटों पर एसपी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने गढ़ अमेठी में नगर पंचायत की सीट भी नहीं बचा पाए। यूपी निकाय चुनाव को 2019 लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। ऐसे में बीजेपी ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत के साथ 2019 के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। विधानसभा के बाद निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन खराब ही रहा है। कांग्रेस अपने गढ़ में भी सीटें बचाने में सफल नहीं हो पाई। खासकर सबकी निगाहें अमेठी पर थी। संसदीय क्षेत्र होने के नाते यहां राहुल गांधी की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर दांव पर थी, लेकिन राहुल गांधी यहां पार्टी की डूबती नैया को पार नहीं लगा पाए। अमेठी नगर पंचायत में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी की इस जीत से कहीं खुशी तो कहीं गम है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।